कहां गई इंसानियत। ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है तो कैसे यहां पर आकर पानी पीता। क्या ये इंसानियत है? क्या इसलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क में 200 साल की गुलामी से हमने आजादी हासिल की? क्या हमने गांधी के साथ खड़े होकर लाठियां इसलिए खाई थी? क्या इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काले पानी की सजा को बखुशी कबूल किया? क्या इसीलिए हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर फांसी की सजा को मुस्कुराते हुए कबूल किया? क्या इसीलिए जौहर बरादरान ने, क्या इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिन के लिए दिया था कि अगर कोई मासूम बच्चा किसी और की इबादत गाह में जाकर पीने का पानी पीता है तो उसको मारकर उसकी वीडियो बनाई जाएगी? ये इंसानियत है। और तुम नाम लेते हो गांधी का, तुम नाम लेते हो कि भारत में हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओगे? किस बात का जश्न मनाओगे कि एक बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं? हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेताजी से अदा कर रहे हैं कि जब इसी देश में बच्चे को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मासूम बच्चे को पीटते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं। अरे इबादत का किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत का इजाफा किया जा रहा है। बताओ जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के मां बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं इसके खात्मे के लिए, शहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया, अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर कयादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं,
मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे हम भी टीम नहीं है, हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह होता है। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजगर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना, आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए मगर अपने खानदान को बचा दिए, सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, जहां पर गरीब और कमजोर बसता है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है।